सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर जिला में सांसद निधि का इस्तेमाल करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और अगर उन्होंने कोई सांसद निधि खर्च की है तो सांसद को उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये मांग हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य व बड़सर के प्रभारी रामचंद्र ठाकुर ने की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद द्वारा अपनी निधि कहां खर्च की गई है इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। राहुल गांधी पर सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि हमीरपुर की जनता भी अब सांसद को सीरियस नहीं ले रही है और आने वाले चुनावों में जनता भाजपा को हरा कर कांग्रेस को सत्तासीन करने वाली है। सांसद निधि का दुरुपयोग हुआ है, वो अपनों को ही दी गई है। अपनों क्या कहते हैं, अंधा बांटे रेवड़ियां, अपनों को दे। 98% इलाका इससे महरूम रहा। मैं तो ये कहता हूं सांसद जी को कि हम लोग डिमांड करते हैं कांग्रेस के कि इसके ऊपर सफेद पत्र जारी किया जाए कि किसको सांसद निधि दी। आज तक हमारे उसमें तो आई नहीं, कहां गई। हमारे एरियों में तो किसी को, किसी गरीब को तो हमने देखी नहीं भाई जी सांसद निधि सांसद ने दी हो। सांसद जी ने उनको कहा कि वो लोग सीरियस नहीं लेते, उन्होंने राहुल जी के लिए कहा था। मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं कि आपको भी लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं आप, क्योंकि अगले आने वाले चुनाव में राहुल जी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनावों के लिए दावेदारी के प्रश्न पर पठानिया ने कहा कि अगर पार्टी उन पर विश्वास रखती है तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी इस बार उसी को टिकट देगी जो अपने बूथ पर पार्टी को लीड दिलवाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पार्टी में टिकट के लिए कई मापदंड लगाए गए हैं जिनमें प्रमुख बूथ भी है। मैंने 3 दफा पहले भी टिकट मांगा है, अगर पार्टी चाहेगी सिलेक्ट करेगी तो चुनाव लड़ने में कोई ग्रेज नहीं है, लड़ भी सकते हैं अगर पार्टी हुक्म देगी। कार्यकर्ता का कार्यकाल भी देखा जाएगा और बूथ, जिस कार्यकर्ता का बूथ में लीड होगी उनका, वो भी अभी रजनी पाटिल जी आई थी वहां शिमला में, उन्होंने ये कहा कि जिस जो टिकट मांगेगा अगर उसके घर के बूथ में लीड नहीं होगी तो वो भी कंसिडर होगा। अगर वो घर के बूथ पे ही लीड नहीं दे सकता पार्टी को तो फिर पार्टी का इलेक्शन चुनाव क्या लड़ सकता है, कैसे लड़ेगा। वहीं रामचंद्र पठानिया ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार के निर्णय जन विरोधी हैं, जिसका उदाहरण मुख्यमंत्री ने बस किराया बढ़ोतरी कर लोगों पर वित्तीय बोझ डाल दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि सरकार लोगों को मुंगेरी लाल के सपने ही आज तक दिखाती रही है। सरकार जो है वो सरकार ने ना तो महंगाई घटाई और मुंगेरी लाल के सपनों में हमें उन्होंने जीने को मजबूर किया कि अभी कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने आते ही आम जनता पे जो है वो किराया बढ़ाया और उसका बोझ आम जनता को दिया। यहाँ से हमने सांसद तीन बार चुनकर भेजे, अपने संघर्ष से तो वो आए नहीं, उनके पिता मुख्यमंत्री थे पिताजी, तो वो सांसद, उनकी मदद से वो सांसद बन गए। अब चुनाव नज़दीक है तो चुनाव में वो अब वो लोगों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि 6 महीने क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ना है और इसलिए वो अब पिता पुत्र दोनों जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि किसी तरह हम चुनाव जीत जाएं। एक मैगजीन उनकी पढ़ रहा था मैं, हमीरपुर संसदीय उसकी, उस मैगजीन में उन्होंने जो जितनी कांग्रेस की उपलब्धियां थी वो अपने नाम कर दी।